नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बागीश और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज। और सीधे आपके साथ चलते हैं बॉलीवुड से जुड़ी एक और खास खबर की ओर। किसी के सितारे इतने रंगीन होते हैं कि उनके रास्ते में कितनी भी रुकावट आए या उनका भाग्य साथ न दे, उनका टैलेंट, उनकी मेहनत उन्हें आगे ले ही जाता है। इसी का जीता जागता उदाहरण है इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट रह चुके अजमत हुसैन। वे सारे गांव पा में भी नजर आ चुके हैं। नशे की लत के चलते उनकी गायकी पूरी तरह से छूट गई थी, लेकिन उन्होंने पिछले साल एक बार फिर इंडियन आइडल के सीजन 11 में एंट्री ली। 6 हफ्ते वे सीजन में रहे, लेकिन उनकी आवाज ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें एलिमिनेट होना पड़ा। अजमत के दीवाने दर्शक इतने हैं कि उन्हें फिर से इंडियन आइडल सीजन 11 में देखना चाहते हैं, उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी चाहते हैं। लेकिन अब अजमत हुसैन के फैंस के लिए हम एक खबर लाए हैं और वो ये है कि अजमत इंडियन आइडल में नहीं है तो क्या हुआ, उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एंट्री ले ली है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफ अजई पर बनी फिल्म मूली मकई का गाना किताबें वापस दे दो रिलीज कर दिया गया है। गाने का म्यूजिक और बोल दिल को छू लेने वाले हैं और उस गाने को आवाज़ दी है अजमत हुसैन ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी झलक। कहानी पूरी तरह से समझ आ रही है और गाने में देखा जा सकता है कि कैसे आतंकी अपने बेतुके फरमान सुनाते हैं और जिन्हें ना मानने का विकल्प किसी के पास नहीं होता है। गाने में देखा जा सकता है कि कैसे आतंकी लड़कियों की शिक्षा के सख्त खिलाफ है और कैसे अपना बचपन, खेल खिलौने और खाना पीना सब दांव पर लगाकर लड़कियां पढ़ाई के लिए संघर्ष करती है। इतना ही नहीं, गाने के अंत में ये भी साफ होता है कि आतंकी लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ क्यों होते हैं, क्योंकि एक लड़की पढ़ने के बाद अपने पूरे परिवार को पढ़ा लेती है, इसलिए आतंकियों के मसूबे हैं कि ना लड़की पढ़ेगी और ना ही परिवार। गाना फिल्म में मलाला का किरदार निभा रही रीम शेख के इर्द गिर्द घूमता है। आपको बता दें कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कश्मीर में हुई है। फिल्म को अमजद खान डायरेक्ट कर रहे हैं, साथ ही इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं संजय सिंगला। इस फिल्म में रीम शेख मलाला का किरदार निभा रही है। फिल्म में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता ओम पुरी, दिव्या दत्ता, अतुल कुलकर्णी, मुकेश ऋषि और पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं। ये फिल्म 31 जनवरी 2020 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में मलाला के साहसी सफर और उनके संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वात घाटी से शुरू होकर सभी को मुफ्त में शिक्षा देने की राह पर उनके चैंपियन बनने तक की कहानी को इसमें बयां किया गया है। जनवरी में लंदन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक खास कार्यक्रम में यह फिल्म दिखाई गई थी, जिसमें देश विदेश के 450 हस्तियों ने हिस्सा लिया था। इनमें पाकिस्तान में भारत के उच्च आयोग के प्रतिनिधि, ब्रिटिश कार्यकर्ता एवं संयुक्त राष्ट्र व IIMSM के सदस्य भी शामिल थे। अब देखना 31 जनवरी को जब ये फिल्म रिलीज होगी तब दर्शकों को कितनी पसंद आती है और साथ ही साथ अजमत हुसैन के फैंस है उनको ये गाना कितना पसंद आता है। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।